हेलो दोस्तों, तो ये हमारे पास एक मशीन है जिसका जो हालत है वो बहुत ही बेकार है। इसकी बॉडी धूप में रखने के कारण बहुत गल गई है, तो इसके जो पार्ट हैं वो हमारे काम के हैं। तो ये मशीन बिल्कुल चालू है, मैं आपको चेक कराता हूँ। तो इसके मोटर्स और इसके जो अदर पार्ट है वो भी हमारे काम आ जाएंगे। तो इस मोटर्स को हम खोल लेंगे वन बाय वन करके। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये मशीन भी चल रही है और ये जो दूसरा वाला है वो भी चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही चल रहे हैं, ठीक है। तो अब इस मशीन को हम वन बाय वन करके खोलेंगे। इससे आप ये सीख पाओगे कि मशीन को कैसे ओपन किया जाता है। नॉर्मली बारपुल का मशीन है और बहुत ज्यादा यूज होता है ये, तो आप इसे देख के समझ सकते हो। हम स्टेप बाय स्टेप खोलना आपको सिखाएंगे। सबसे पहले आपको डिस्कनेक्ट कर लेना है। आपको जितने भी पेच दिख रहे हैं ना इस मशीन में, सारे पेच आपको वन बाय वन करके खोल लेना है, ठीक है। बस आपको यह देखना है कि खोलते हुए किसी चीज को तोड़े ना, क्योंकि हमें तो इसको यूज करना है। तो आप जहाँ पे आपको पेच दिखे कि पेच ज्यादा खराब हो चुका है, वहां पे आप किसी और टूल्स का यूज कर सकते हो। तो जैसा कि ये जो पेच ही खोल नहीं रहा, तो हम इसे प्लास से खोलने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तो ये जो पेच है ये खुल नहीं रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। तो हम इसे कटर मशीन से काट के खोलेंगे। तो आप देखिएगा कंटिन्यू कि कैसे खोलते हैं हम। आप आरी ब्लेड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कटर मशीन है इसलिए हम यहाँ पे कटर मशीन का यूज करेंगे। तो जैसा कि हमने इसे कटर मशीन से काट लिया है और अब हम इसे खोल रहे हैं। आप यहाँ पे आरी ब्लेड का भी यूज कर सकते थे, लेकिन आरी ब्लेड में टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए हमने इसे कटर मशीन से काटा है और अभी इजीली खुल गया। होता क्या, जब कटर मशीन से हम काटते हैं तो जो प्लास्टिक है ना, ये प्लास्टिक को गर्म कर देता है, तो ये इजीली खुल जाता है। तो आपको कहीं पेज खोलने में दिक्कत है तो आप भी ऐसे यूज कर सकते हो। ऐसे करके हम सारे पेज खोल लेंगे वन बाय वन। और जहाँ पेज खोलने में दिक्कत है, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे खोलना है उस पेज को। जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो ये जो अभी इसे खोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, पेचकस पकड़ना नहीं आता बच्चे को, क्या करे। तो इसने ढक्कन खोल लिया, अब हम और भी पेज खोलेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर का ये जो ये चक्री है, आपको ये जो दिख रहा है इससे हम खोलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ टेस्टर से लगा के हम इसे रिमूव करेंगे। तो मैंने इसे खोल लिया है यहाँ पे, और मैं इसे 8 या 10 नंबर की चाबी से इसे खोल लूंगा। जैसा कि चाबी ले आया हूँ, आप इसे लगा के इसे मैं बस इजीली, आप पेचकस से भी खोल सकते थे, लेकिन अच्छी बात इसे आपको पकड़ना है एक तरफ से पकड़ के। जैसे कि ये चाबी को बिल्कुल आपको सीधा रखना, अगर आप टेढ़ा रखोगे तो स्लिप मार जाएगा और ये खुलेगा नहीं, फिर आप परेशान रहोगे। तो कभी भी किसी भी पेज को खोलते हो तो वो उसके ऊपर, या तो आप ऐसा कह सकते हो कि परपेंडिकुलर आपको उसे डालना होता है। तो ये खुल चुका है, अब हम इस पेज को निकाल लेंगे। आप इसे नॉर्मली क्लीन करने के लिए भी खोल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपको घर में इसके नीचे क्लीन करना हो तो आप खोल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर हो तो आप इजीली उससे खोल सकते हो। तो ये फंसा हुआ होता थोड़ा बहुत, तो थोड़ा दिक्कत आता है, तो आपको इसे थोड़ा पकड़ के निकालना पड़ेगा। ये आपके आपके पास पानी हो तो एक बाल्टी पानी डाल दीजिएगा, ये अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। प्लास्टिक होता ना तो पानी में तैरने लगता है। ये ऊपर से नहीं खुल रहा है क्योंकि इसमें मिट्टी विट्टी फंसी पड़ी, तो इसे हम नीचे से निकाल लेंगे, सीधा निकल जाएगा। और अब हम इसके साइड के पेज खोलेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे तीन पेज दिख रहे होंगे, ये तीनों पेज हम खोलेंगे साइड के, और ये भी दोनों तरफ से। यहाँ पे तीन पेज है, तीनों पेज को खोला जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। इधर के हमने तीनों पेज खोल लिए हैं। अब नेक्स्ट साइड में जो दूसरी तरफ है, इधर भी आपको यहाँ पे दो पेज देखने को मिलेंगे, इन दो पेज को भी हमें खोलना है। तो ये एक पेज रह गया है जो खुल नहीं रहा, तो हम इसे कटर मशीन से काटेंगे। तो मैं इसको ऐसे नहीं काटूंगा, ऐसे काटने से मेरा प्लास्टिक खराब हो जाएगा, तो मैं इसको सीधा काटूंगा। अब ये खुल जाएगा इजीली, मैं से आपको खोल के दिखाता हूँ। बेटा कटर मशीन से दूर रहना। ये बिल्कुल ही पेज खराब हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे और ही काट देता हूँ क्योंकि ये पेज बिल्कुल ही खराब हो चुका है। आते तो
बेटा दूर है ना उससे, तो वो तो मैंने खोल दिया, ये तो ऑलरेडी खुल चुका था। वीडियो पॉज कर दे, खोल दिया। तो मशीन के मैंने सारे पेज खोल दिए हैं, अब मुझे इस ढक्कन को ऊपर करना है। तो ढक्कन को ऊपर करने से पहले मुझे यहाँ पे ये ड्रेन वाला है, इस ड्रेन वाले को मुझे क्या करना है, खोल लेना है। आपको ड्रेन वाला दिख रहा होगा, इस ड्रेन वाले को मुझे खोल लेना है। मुझे क्या करना है, इसे ऊपर लेना है, इसको ऐसे करके ये खुल गया मेरा, और इसकी तो जरूरत नहीं है, मैं सीधा भी इसे खोल लूंगा। इसके अंदर लॉक होता है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज तो ये पूरा ही आपका कंप्लीट खुल चुका है। यहाँ से हमें ये वायर भी काट लेने, क्योंकि हमें तो पूरा खोलना ही है। तो मैं ऐसा करता हूँ, पीछे से सारे वायर काट लेता हूँ। मैंने इसे घुमा लिया है और इसको मैं खोल लेता हूँ। खोल लिया है, अब मुझे वन बाय वन करके एक एक वायर काट लेना है। मैं यहाँ से इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से जोड़ सकता हूँ इजिली, और मुझे कलर कोडिंग का भी थोड़ा ध्यान देना है, इसलिए मैं कलर के हिसाब से काट रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से मैं कहीं से भी काट दूँ, थोड़ा मुझे हिसाब से काटना होता है कि मैं उसे दोबारा जोड़ सकूँ। मुझे पता हो कि कौन सा तार मैंने कहाँ काटा, वरना फिर मुझे पूरी वायरिंग चेक करनी पड़ेगी और वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मेरा। मैं उसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, इसीलिए मैंने अपने हिसाब से कलर कोडिंग के हिसाब से ये वायर काटा। मेरा ये कम्प्लीट डिस्कनेक्ट हो गया है, तो जैसा कि मैंने इसे कम्प्लीटली उठा दिया है, और मैं इसको कहीं और यूज कर लूंगा। इसका जो ये टाइमर है बहुत ही कॉस्टली आता है, इसलिए मैंने इस चीज को निकाला है। ये टाइमर इसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेट 750 रुपये समथिंग का आता है, और कोई गारंटी नहीं आती, बड़ी बात तो ये है। तो मैंने इसे साइड में रख दिया। मोटर है ये एल्युमिनियम की मोटर है। अब ये एल्युमिनियम का मोटर है कैसे पता चला, इसकी कॉइल को देखकर। लेकिन हमको क्या करना है, हमको ये दो पेज खोलना है। यहाँ पेज आपको दिख रहे होंगे, ये 8 नंबर की चाबी से दो पेज खोलना है। मैं दो पेज को खोल के ऊपर से ये जो टैंक है ये टैंक ऊपर ले लूंगा। जैसे कि मैंने 8 की चाबी निकाल ली है, और मुझे इसमें 8 की चाबी डालनी है, तो मैंने 8 की चाबी डाल ली है, और इसे तो मैंने चाबी को डाल लिया है, और इसे मैं खोल लेता हूँ। पूरे पेज को निकालूंगा, मुझे पूरा खोलना है, इसलिए मुझे ऊपर वाले पेज को ही खोलना है अभी, नीचे वाले की जरूरत नहीं है। ये एल्युमिनियम का है, तो जब आप पेज को टाइट करो ना, तो ज्यादा टाइट मत करना, वरना वो क्या होता है, स्लिप मार जाता है। तो ये खुल चुका है, अब इस टैंक को मुझे बस बाहर निकालना है। इस टैंक को बाहर निकालने के लिए आपके यहाँ पेज दिख रहे होंगे, आपको सारे पेज खोलने पड़ेंगे। मशीन में थोड़ी प्रॉब्लम है, आपको जब भी टैंक निकालना तो सारे पेज खोलने पड़ते हैं। टैंक को निकालने के लिए यहाँ पे जितने भी पेज है ना, जैसे ये पेज हो गए हैं, और जितने भी पेज हो सारे पेज हमें खोलने पड़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम वो पेज भी खोल लेते हैं। जो पेज हमारे गल गए हैं, जिसे हम नहीं खोल सकते, उसे हम कटर मशीन से काट देंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो उस पेज को हमें तोड़ना पड़ेगा, तो हम काटना प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारे पास कटर मशीन अवेलेबल है। तो कुछ पेज से जो नहीं कट खुले हैं तो उन्हें काट रहे हैं। जी कटर मशीन है, यहाँ भी कटर मशीन चलाना है, यहाँ भी कटर मशीन चलाना है। तो यहाँ भी एक पेच है, इसको भी काटना है। मैंने जहाँ तक सारे पेज काट लिए हैं, अब इन पेजों को मुझे खोलना है। तो ये जैसे गर्म हो चुके हैं, गर्म हो कि बहुत इजीली खुल जाते हैं, होता है कि प्लास्टिक होता है और ये पेज होते हैं, जैसे हम काटते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो देख रहे हो ये, मतलब हमें खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, ये इजीली आराम से निकल जा रहे हैं।
तो ये हमने टैंक निकाल लिया है और टैंक बिल्कुल साफ सुथरा है। टैंक निकालने के लिए हमने ज्यादा कुछ मेहनत नहीं की, इसे ऊपर किया और ये टैंक इजीली निकल गया। अब इसके अंदर ये सील है, ये सील हमारे किसी काम का नहीं क्योंकि सील हम पुराना कहीं डाल नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे, मशीन को नीचे से खोलेंगे। बाबू पीछे हो जाना, इसे लिटाना मशीन को। सबसे पहले हमें मशीन को लिटाने के बाद यहाँ पे आपको जितने पेच दिख रहे हैं ना मशीन को नीचे से, वो सारे पेच आपको वन बाय वन करके खोल लेना है। मेरे को तो एक आपको तीन इधर पेज दिख जाएंगे, एक इधर पेज दिख जाएगा और कुछ बीच में भी पेज होंगे। तो आप थोड़ा ध्यान से रखिएगा कि आपके एक यहाँ पेज है, एक यहाँ पे, जितने आपके होल्स है ना इन सब में कुछ पेज है, तो आपको सारे होल्स में पेज खोलने हैं। इसके अंदर जो पेज है वो थोड़ा टाइट लगा होता है, तो उस पेज को हमें खोलना है। आपको इसका पेज खोलने के लिए आपको लंबे पेचकस की जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास छोटा पेचकस है तो आप इस पेज को आप कभी नहीं खोल पाओगे, तो आपको लंबे पेचकस की रिक्वायरमेंट है, जिसका जो साइज है वो लंबा हो, लार्ज साइज का पेचकस चाहिए होगा और वो भी प्लस में। अप्रोक्सीमेट जो हमारे हैं सारे पेच खुल चुके हैं, एक पेच रह गया है। तो मशीन बिल्कुल ही पेच सारे खोल दिए हमने, ये इसने काट के इस पेज को खोला। ये गर्म हो के बेसिकली बहुत आसानी से निकल चुका है और इधर के भी सारे पेच खुल चुके हैं। हमें इसका बेल्ट भी इसका उतर चुका है, तो ये बिल्कुल ही अलग हो गया है। अब हमें इसे कुछ खोलना नहीं है क्योंकि हमें तो बस इस बॉडी को अलग करना था। अब इसमें से हमें ये आपको दिख रहा होगा इसे खोलना है। तो ये गियर बॉक्स भी अप्रोक्सीमेट खराब हो चुका है लेकिन अभी चलेगा, तो खोलेगा इसे। सारे पेज खुल चुके हैं, अब हमें इसे बाहर की ओर लेना है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर वो जो चक्री थी वो इसमें फंसी हुई है, इसलिए थोड़ा ही मुश्किल है, अदरवाइज ये आराम से निकलता है बहुत। आपको बहुत ही आराम से पेचकस को यूज करना है कि टंकी में छेद ना हो। वैसे तो टंकी खराब है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है फूटे चटके,